देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मॉड दबा करके हम टू का बटन दबा देंगे। जैसे कि मुझे चाहिए 4 + 5 iota। 4 मैंने ये दबाया, प्लस दबा दिया, 5 दबाया। अब आयोटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, शिफ्ट दबा के, जो इंग इंग इंग्लिश समझो, शिफ्ट दबा के इंग दबाऊंगा, अभी आयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए बड़ा यूज है, मल्टीप्लाई करना है फिर सर आपके से 6 - 7 iota से। अब देखिए, फिर ये शिफ्ट दबा के आयोटा का बटन, ये मैंने इक्वल टू का बटन, और ये मेरा आंसर आ गया 4 + 23 iota। दोबारा एक मिसाल बता रहा हूँ, सबसे पहले तो देख लें कि कैलकुलेटर कौन सा यूज़ करना है। कैसियो FX-991ES NED में कैलकुलेटर अलाउ है, इसकी मदद से आप इक्वेशन के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तभी ये फ़िलहाल मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल सॉल्व करने को बता रहा हूँ। मॉड दबा के, मॉड का बटन कहाँ आता है उनके बराबर में, 2 दबाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अब आपको चाहिए, फर्ज करो 8 + 7 iota, 8 दबाया, प्लस दबाया, अब ये देखें 7 दबाया। आयोटा दबाने के लिए शिफ्ट दबा के मैं इंग्लिश दबाऊंगा, ये आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई करना है फर्ज करो मुझे इसे 9 - 3 iota से, 9 - 3, शिफ्ट दबा करके मैं फिर आई दबा दूंगा, ये आई, ये मैंने बटन दबाया, 8 + 60 iota, यही मेरा आंसर है। तो मेरे भाई, ये मेरा पूरे का पूरा पार्ट इस तरह से सॉल्व हो गया है मल्टीप्लाई का। अब डिवाइड का सवाल करते हैं कुछ, ये देखिए जी, मॉड का निशान, टू का निशान, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में सवाल सॉल्व होगा। सवाल ले लेते हैं 6 + 5 iota, ये शोर दबा के आयोटा को डिवाइड करना और ना मुश्किल काम है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। फिर ये डिवाइड का बटन, 3 + 4 iota, और देखें कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल बहुत आते हैं, चाहे मल्टीप्लाई के हों डिवाइड के, ये जी, अब मैंने बटन दबा दिया, 6 + 17/3 iota। इसको हम इस तरह डेसिमल में भी चाहें तो लिख सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ओके जी, अब देखें, मॉड दबाया मैंने, 2 का बटन दबाऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसा कि मेरे पास एक है 4 है, -5 iota है, और डिवाइड कर दें 7 + 5 iota, शिफ्ट दबा के आयोटा का बटन, 7 - 5 iota, तो जनाब ये मेरे पास नंबर आ गया। तो बहुत आसान हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल इस कैलकुलेटर से यूज़ करने में। मज़ीद भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, और आज इंशाल्लाह कुछ फंक्शंस के बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो NED दाऊ समेत हर ई कैट में आते हैं। थैंक्स अ लॉट।